देखो टाइम था मतलब 90s में ना क्या बैंड्स थे पंजाबी एमसी This is D. Alberto, who runs the store, Alberto Music. Say hi. Hi. The instruments that you find here, ये common नहीं है, आपको हर store में नहीं मिलेंगे. बहुत ही carefully curated है सारे के सारे instruments. अगर आप बॉम्बे आएँ कभी, you must come here, because every guitar, every bass is special here. तो बहुत सारी भीड़ लग रही होगी आपको, but this is a place to check out. All the high-end brands are available. Anything you're looking for, just come here. मैं यहाँ सिंपल पर्पस के लिए आया हूँ. आज मेरा एक स्टूडियो सेशन है. हम लोग न्यूक्लिया के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं बॉम्बे ब्रास. सो जैसे बॉम्बे ब्रास ने ऋत्विज के लिए बजाया था NH7 में, सो न्यूक्लिया नीड्स सम हॉर्न पार्ट्स फॉर वन ऑफ हिज सॉन्ग्स. तो रीज उसको अगेन लीड करेगा आज. मैं आइलैंड सिटी स्टूडियो जा रहा हूँ आज. ये क्वेश्चन आता है बार बार कि स्ट्रिंग्स कितनी ऑफन चेंज करनी चाहिए. इसका आंसर ये है, जब मुझे स्टूडियो सेशन मिलता है वेर आई एम गेटिंग पेड, वेर आई एम गेटिंग सम मनी इन फ्रॉम, मैं अपनी स्ट्रिंग्स तब चेंज करता हूँ. ऐसे ही घर बैठ के हर महीने. हाउ मच इज अ सिक्स स्ट्रिंग सेट फॉर? अबाउट एस्टिमेटेड 4K, राइट? 3,150. दैट्स द प्राइस ऑफ द सिक्स स्ट्रिंग सेट, अबाउट दैट मच. सो हर महीने वैसा पैसा खर्चना अच्छी बात नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है. सो व्हेनेवर यू आर गेटिंग पेड यू शुड गेट योर स्ट्रिंग्स चेंज फॉर अ सेशन. बाइंग ऑफ द स्ट्रिंग्स कंप्लीट हो चुकी है. फटे हुए जूते पहनेंगे मॉनसून वाले. Alberto Music, one of the best places to buy guitars. तो ज़्यादातर ये लोग professional gear को रखते हैं और बॉम्बे में बहुत सारे professional musicians हैं जो चाहते हैं कि ये सारा gear available हो. मैं अभी यहाँ से strings खरीद रहा था क्योंकि आज studio session है. मेरे को SID strings मिली है. Generally मैं वो use नहीं करता, ठीक है, डायो use करता हूँ, पर देखते हैं आज कैसी sound करती है. और हाँ, मैं बिना socks के शूज़ नहीं पहनता. आज इसलिए पहने हैं क्योंकि मॉनसून चल रहा है यहाँ पे. एंड इफ आई वेयर सॉक्स वो भी गीली हो जाती हैं, जूते भी गीले हो जाते हैं. थोड़ा गुड आइडिया. मॉनसून का टाइम है, बहुत ट्रैफिक है. मैं बोट इसलिए नहीं ले रहा अपने घर से निकलते हुए क्योंकि मेरा बेस गिटार खराब हो जाएगा. सो आई टू ड्राइव. करीब 2 घंटे हो गए मुझे रोड पे. डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे घर से, लेकिन बॉम्बे में रोड खराब है. 35 मिनट्स और लगेंगे. बैकग्राउंड में बिली आइलिश का म्यूजिक बज रहा है. पहली बार सुन रहा हूँ मैं अच्छे से बैठ के तसल्ली से. प्रोडक्शन इज ब्यूटीफुल, बहुत मज़ा आ रहा है. पहुंच गया मैं फाइनली. आइलैंड सिटी स्टूडियोज मेरे दोस्त जेजे का स्टूडियो है, हु इज अ ड्रमर एंड अ म्यूजिक प्रोड्यूसर. और बहुत सारी एल्बम्स जेजे ने प्रोड्यूस किए. जेजे इज लव्ड बाय एवरीबॉडी एंड आइलैंड सिटी स्टूडियोज इज आल्सो लव्ड बाय एवरीबॉडी. मैं थोड़ा सा काम पे फोकस कर रहा हूँ, थोड़ी देर लगेगी सेटअप करने में, फिर आपको कुछ और चीज़ें स्टूडियो की दिखाता हूँ. सो बॉम्बे डोज तेजस का सिंगल है, वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है. माली के एल्बम से यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है. आदित्य बलानी की एल्बम यहाँ प्रोड्यूस हुई है. आदित्य बलानी रन्स द बिग GMI ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूट. द फैंकुलोज एल्बम जिसमें मैं बजाता हूँ, ये मैं हूँ. मेरे यहाँ के इंजीनियर हैं जो छुप छुप के भाग रहे हैं. ये वाला मुझे पढ़ना नहीं आता. और सबसे सही चीज़ इस स्टूडियो की है, ये ऊपर तक भरा हुआ कॉफी है यहाँ पे. अभी अंदर ड्रम टेस्ट चल रहा है या ड्रम चेक चल रहा है? ड्रम टेस्टिंग बोलेंगे भाई. ड्रम टेस्टिंग. संजू इज लर्निंग द सॉन्ग राइट नाउ जो आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं. मैं यहाँ बैठ के कॉफी पी रहा हूँ.
No, it sounds good for sure. सो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कि जस्ट लास्ट टेक ले रहे हैं, अभी तो सिर्फ रिकॉर्डिंग भी शुरू हुई है, जस्ट लास्ट टेक टू हियर ये सुनाई कैसा दे रहा है, अभी अंदर जाएंगे तो आर्या टेक अस. संजू ने गलती कर दी, संजू ने गलती कर दी, संजू ने गलती कर दी. I thought my pocket was better than the last one. तो इस रिकॉर्ड करते हुए ना जैसे पॉकेट सेट होनी चाहिए ड्रमर और गिटार प्लेयर. ये वाले चार पॉकेट रहेंगे तो बेटर रहता है, इसलिए मैंने ये वाला पेन खरीदा. ये पॉकेट पेन क्या है, ये सोच रहे हैं पॉकेट पहनने से पॉकेट अच्छी हो जाएगी उनकी. पीछे भी है पॉकेट, बेसिकली एक अलाइनमेंट समझ लो, ड्रम्स जिस फीलिंग से बजा रहे उसी फीलिंग से बेस भी बजाएगी, गिटार भी बजाएगी. जस्ट हियर इट एंड सी कैसा लग रहा है. हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ना हाई हैट कैप्चर नहीं हो रही थी अलग से, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेंट जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेंट, तो दैट शुड बी अवेलेबल फॉर द मिक्स. सो दैट्स आयान हियर, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियर्स ऑफ आवर कंट्री. दिस गाय से हाय वंस क्विकली, ही इज होल्डिंग द माइक एंड ही इज बेसिकली इंजीनियरिंग द सेशन टुडे. So takes are done. Panch hi take kiya. Very torn. I know, I heard. No, he said glad the feel is. Glad the feel is good. अच्छा take अच्छा हो गया हमारा, हम लोग जीत गए हैं. ठीक है. अब हम जा रहे हैं. We won. Now we're going home. पनीर बटर मसाला बिरयानी खाने. I don't know. Now Reese is to figure. Come have a lunch break. I think. It's lunch time. अभी हम खाना खाने वाले हैं. ये आज अभी मेरा ब्लॉग होने वाला है. मैं ब्लॉग करने वाला हूँ. ब्लॉग अच्छा अच्छा तो मैं बाहर जा रहा हूँ अभी. ऐसे बनता है ना वीडियो लॉग, व्लॉग नीचे देख के आसान गिरोगे 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 गिरूंगा जल्दी करो. अरे ओके ठीक है आप ले लो. सो हम लोगों ने रिदम सेक्शन अलग से रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि गिटार बेस और ड्रम्स. अब जो हॉर्न्स है वो अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं. अभी सिर्फ बेसिक पार्ट्स साथ में बजा के प्रैक्टिस कर रहे हैं. डायरेक्टली मेरा बेस डी आई के अंदर जा रहा था. अब डी आई का पर्पज़ क्या होता है ये आयान एक्सप्लेन करेगा, ग्रेट साउंड इंजीनियर. आयान प्लीज टेल पीपल व्हाट डज अ डी आई डू. डी आई स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट इंजेक्ट वॉक्स. और क्या होता है कि द पिकअप्स या जो भी है दे आर लाइक माइक्स एसेंशियली, अपना गिटार के जो पिकअप्स है. सो देयर इज जस्ट टू वायर्स नेगेटिव पॉजिटिव एंड इट्स अनबैलेंस्ड. तो इट कैन डू अ शॉर्ट रन जहाँ से इट वोंट पिक अप टू मच नॉइज. But for longer runs, it will start picking up. Noise will get noisy. अच्छा तो अगर हम लंबी केबल लगाते हैं गिटार में, हाँ जी, तो नॉइज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. हाँ, इनफैक्ट बढ़ जाता है. हाँ, डिग्रेड होता है. सो डीआई लगाने से, क्योंकि हम छोटी केबल से सिग्नल भेज देंगे, अनबैलेंस से बैलेंस कन्वर्ट हो जाएगा. सो इन जो सिंपल लैंग्वेज में बैलेंस सिग्नल कम नॉइजी होता है, अनबैलेंस सिग्नल ज्यादा नॉइजी होता है. और अनबैलेंस का एग्जाम्पल होगा जैक टू जैक केबल. जैक टू जैक केबल सिर्फ बाकी का जो भी है अपना XLR बैलेंस्ड होता है और अपना TRS बैलेंस्ड, ये सारी बैलेंस होती है. पर RCA भी अनबैलेंस्ड है, जो RCA केबल्स, RCA केबल्स अनबैलेंस्ड होती है. ठीक है. सो द पर्पस ऑफ अ DI इज टू रिड्यूस नॉइज, रिड्यूस नॉइज एंड मेक इट फीजिबल टू डू लॉन्ग केबल रन्स. लॉन्ग केबल रन्स साउंड्स गुड मैन, दिस हेल्प्स, थैंक यू. प्लीज कैन आई गो होम? या मैन. Thanks. Thank you. Thank you. Should, I was thinking we should take a picture of it again.